कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया है। आज की स्थिति यह है कि कर्मचारियों को 5 से 6 महीने से वेतन नहीं मिला। नगर पालिका के कर्मचारियों ने काम करने से मना कर दिया है। हम विधानसभा में सभी मुद्दे उठाएंगे। अब ये रिपोर्ट अभी हम देखेंगे, उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद फिर इस पर कुछ भी हम कमेंट कर पाएंगे। पूरा देखिए, पूरे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है इस सरकार ने, और आज ये स्थिति है कि कर्मचारियों को 5-5, 6-6 महीने से वेतन तक नहीं मिल पा रहा है। मैं झाबुआ की आपको स्थिति बताऊँ, वहाँ नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम होने वाला है, नगर पालिका के कर्मचारियों ने वहां काम करने से मना कर दिया क्योंकि 5 से 6 महीने से उनको वेतन तक नहीं मिला है। और ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में है, और कर्ज लेने से किस पर भार बढ़ रहा है? सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आम जनता पर भार बढ़ रहा है। और ये जनता की जो गाड़ी कमाई है उसको लुटाने का एक नया तरीका निकाला है। जो विकास के लिए पैसा होना चाहिए उपयोग, वो पूरी तरह से ब्याज में देना पड़ रहा है।